हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ये जो हमारे को गिवन है, पहले ए इज इक्वल टू 10 गिवन है और D इज इक्वल टू 10 गिवन है। A जो है हमारी ये होती है फर्स्ट टर्म मींस A1, और जो ये D होता है ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, जो A है मींस A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट होती है हमारी सेकंड टर्म लेंगे हम इसकी A प्लस D। A है हमारा यहां पर 10 और D है हमारा 10, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। और जो हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे वो होती है हमारी एपी सीरीज में A प्लस 2D। A हमारा है 10 और इसके बाद प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहां पे हमें फोर टर्म्स फाइंड करनी है। हमारी फर्स्ट टर्म आई है 10, सेकेंड टर्म आई है 20, थर्ड आई है 30। इसके बाद जब हम इसकी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे वो होगी हमारी A प्लस 3D। A की वैल्यू है 10 और इसके बाद 3 इंटू डी मीन्स 3 इंटू 10। तो यहां से आएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। फिर लास्ट में हम इसको लिखेंगे एपी सीरीज की फॉर्म में। सबसे फर्स्ट टर्म आई है हमारी 10, सेकेंड टर्म आई है 20, नेक्स्ट आई है 30 और नेक्स्ट आई है 40। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमें फोर टर्म्स ही फाइंड करनी थी। तो इसका एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए मींस A1 और सेकेंड टर्म A1 हमें गिवन है 2 और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमें गिवन है 0। तो यहां से हमें सबसे पहले फोर टर्म्स निकालनी है इस क्वेश्चन में भी। A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होती है हमारी A प्लस D। A है हमारे को गिवन 2 और डिफरेंस गिवन है 0, तो यहां पर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट होती है हमारी थर्ड टर्म फाइंड करते हैं A प्लस 2D। A हमारे को गिवन है 2 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 0। यहां से जब हमने लिखा इसे 2 प्लस 2 इंटू 0 0 मीन्स 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे A प्लस 3D। A हमारा है 2 और प्लस 3 इंटू 0। इसे सॉल्व करेंगे, यहां से आएगा 2 प्लस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इसी तरह अब हम नेक्स्ट टर्म भी अगर इसकी फाइंड करें तो ये आएगी हमारी A प्लस 4D। लेकिन यहां पे देखो हमें फोर टर्म्स बोली हुई हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी 2, सेकेंड टर्म है हमारी 2 और थर्ड टर्म हमने फाइंड की वो भी 2 आई है। अब अगर आपको ये सॉल्व करनी है तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि यहां से हमारी चार टर्म्स आ चुकी हैं। फर्स्ट टर्म हमारी आई है 2, सेकेंड टर्म आई है 2, थर्ड टर्म भी 2 और फोर्थ टर्म भी 2। तो इसका आंसर जो होगा वो है 2, 2, 2, 2। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो अब इसमें हमें A फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है A जो है ये है हमारी यहां से 3 और जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो सेकेंड टर्म है ये वाली माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसको अगर आपको चेक करना है तो आप देखो नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है,
थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे माइनस वन, और ये माइनस करके वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। सिमिलरली आप इसको आगे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर करें तो यहां से आएगा हमारा माइनस थ्री माइनस ऑफ ये टर्म है हमारी माइनस वन, तो यहां से सॉल्व करेंगे माइनस थ्री और माइनस माइनस होता है हमारा प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू। तो यहां से जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है माइनस टू। तो इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म एपीज में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। देखो इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो फॉलोइंग टर्म्स है क्या ये एपीज में है, मींस इनके जो ये टर्म्स के कॉमन डिफरेंसेस है वो सेम है। अगर ये एपी फॉर्म कर रही हैं तो आप फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। देखो पहले अगर हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे a इज इक्वल टू वन, और हमें यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स सेकेंड टर्म है हमारी थ्री और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। और इसके बाद अगर आप इसकी नेक्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे, हमें ये फाइंड करना है क्या ये एपी में है, मीन इनके कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो अब यहां से हम नाइन में से थ्री को माइनस करेंगे तो यहां से आएगा आंसर सिक्स, और जब नेक्स्ट टर्म में से इसको माइनस करेंगे ट्वेंटी सिक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू एटीन। तो अब हमारे जो यहां पे आए हैं इनके कॉमन डिफरेंसेस जो है, यहां पे आपका आ रहा है टू, यहां आ रहा है सिक्स, यहां आ रहा है एटीन। तो अब यहां से देखो ये हमारे जो कॉमन डिफरेंसेस हैं ये सभी सेम नहीं आ रहे, तो ये टर्म्स जो है हमारी एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो नो दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, नो दे आर नॉट फॉर्म द टर्म्स इन द एपी। तो अब देखो अगर इसकी आपको थ्री मोर टर्म्स अगर फाइंड करनी है, तो थ्री मोर टर्म्स में पहली टर्म होती है हमारी a, a इज इक्वल टू मीन्स होता है a1, a1 हमारी है फर्स्ट टर्म कितनी है वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन। इसके बाद सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, a प्लस डी मीन्स a है हमारा यहाँ पर वन, और इसके बाद जो हमारा d है कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा है टू। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारा यहाँ नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आया था सिक्स और नेक्स्ट आया था एटीन, तो अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हम इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्या कहना है, सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम नहीं है, तो दे आर नॉट फॉर्म इन द एपी। इसके आफ्टर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो माइनस फोर, तो इसमें भी देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें गिवन है जीरो। अब यहां से हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d, फाइंड करेंगे कैसे, माइनस फोर माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर, और जब नेक्स्ट चेक करेंगे माइनस एट माइनस माइनस फोर सॉल्व करके आएगा माइनस एट प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर। अब नेक्स्ट टर्म का फाइंड करेंगे माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस एट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहां से एट इज इक्वल टू माइनस फोर। अब देखो यहां पे हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, यस दे फॉर्म एन एपी, सो वी राइट द नेक्स्ट टर्म्स। इसकी आगे आपको नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, a इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करेंगे वो होती है हमारी एपी सीरीज की a प्लस डी, तो जीरो प्लस
डिफरेंस है हमारा इनका माइनस फोर, तो जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर. नेक्स्ट टर्म आएगी ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू जीरो प्लस टू इंटू माइनस फोर, जीरो माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट. देखो अब क्या हम यहां चेक करें कि ये वाली जो हमारी टर्म्स हैं ये सभी हमें गिवन थी ना, जैसे ये हमारी क्या थी, ये वाली टर्म ये हमारी थी ए वन, और ये हमारी क्या है ए टू, और ये हमारी क्या है ए थ्री, और ये नेक्स्ट टर्म क्या है ए फोर. तो हमें जो फाइंड करनी है वो हमें नेक्स्ट वाली निकालनी है इसकी. तो हम क्या करेंगे, इसकी ए फाइव से फाइंड करेंगे ये वाली टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म देखो हमारी क्या आई, ए वन होती है, सेकंड ए टू मतलब ए प्लस डी लिखते हैं, थर्ड में ए प्लस टू डी लिखते हैं, और नेक्स्ट लिखते हैं ए प्लस थ्री डी. ये आपको चार टर्म्स तो गिवन ही है, तो आगे जो इसकी हम लिखेंगे वो होगी ए प्लस फोर डी. मीन्स ए की वैल्यू जो है हमारी वो है जीरो प्लस फोर इंटू माइनस फोर, तो जीरो माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन. नेक्स्ट टर्म अगर आपको लिखनी है तो ए प्लस फाइव डी, और वो क्या होगी आपकी ए प्लस फाइव इंटू माइनस फोर. ए है हमारा यहां पर जीरो, जीरो माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी. तो हमारी जो इससे देखो माइनस ट्वेल्व से नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी हमारी माइनस सिक्सटीन, उससे नेक्स्ट आएगी वो होगी माइनस ट्वेंटी, सेम एज नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सिक्स इंटू माइनस फोर. ए हमारा जीरो है तो जीरो माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, तो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी माइनस ट्वेंटी फोर, और इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो वो होगी हमारी ए प्लस सेवन डी. तो ए प्लस सेवन डी, तो ए की वैल्यू है हमारी जीरो और डी की वैल्यू है हमारी माइनस ट्वेंटी फोर, तो जीरो माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट. तो लास्ट की जो हमारी टर्म्स आएंगी वो होंगी माइनस सिक्सटीन, माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी एट. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसकी, अगर हमें बाकी टर्म्स भी कहेंगे. सो आगे की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी के नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें.